केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नए बदलाव के साथ लागू की है, जिसकी सूचना भी जारी कर दी गई है। इस वर्ष योजना के तहत 15 जुलाई तक पंजीकरण हो सकेगा तथा धान व मक्की की फसल इसमें कवर होगी। योजना के तहत 600 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीमा किया जाएगा और ये बीमा बैंक सहित लोक मित्र केंद्र में हो सकेगा। प्रदेश सरकार की ओर से हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी की गई है। पुरानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और इस बार की योजना की अधिसूचना में अंतर है। पहले जो किसान फसल के लिए लोन लेता था, उसके लिए ये योजना जरूरी थी और किसान का पैसा था किसान क्रेडिट कार्ड से प्रीमियम बैंक खुद काटता था, जबकि इस बार लोन लेने वाले किसानों के लिए ये योजना ऐच्छिक कर दी है कि किसान अपनी फसल का बीमा करवाना चाहता है या नहीं, जो कि मुख्य बदलाव योजना में केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। किसान अपनी फसल का बीमा बैंक द्वारा और लोक मित्र केंद्र में जाकर भी करवा सकते हैं। पिछले वर्ष लोन वाले और बिना लोन वाले 40,000 किसानों ने फसल का बीमा करवाया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीकरण की तिथि पूर्व में 31 जुलाई होती थी, जबकि इस बार पंजीकरण तिथि में कटौती करते हुए अंतिम तिथि 15 जुलाई की गई है। इस बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में धान व मक्की की फसल कवर की जानी है, जिसके तहत 600 रुपए प्रति हेक्टेयर यानी 2,400 रुपए प्रति कनाल के हिसाब से बीमा दर दी जाएगी और 30,000 रुपए यदि किसान की फसल को नुकसान पहुंचता है तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी उसका भुगतान करेगी। कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक उत्तरी क्षेत्र नरेंद्र धीमान ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नए बदलाव के साथ लागू की है, जिसकी सूचना भी जारी कर दी गई है। इस वर्ष योजना के तहत 15 जुलाई तक पंजीकरण हो सकेगा तथा धान व मक्की की फसल इसमें कवर होगी। योजना के तहत 600 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीमा किया जाएगा और ये बीमा बैंक सहित लोक मित्र केंद्र में हो सकेगा। अभी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो है वो अभी 5-6 दिन पहले ही जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो किसानों के लिए एक बहुत उपयोगी योजना सिद्ध हुई है, उसका जो है वो आगाज हिमाचल सरकार द्वारा उसकी जो अधिसूचना है वो कर दी गई है 5-6 दिन पहले। जो पुरानी हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और जो इस साल इस योजना का जो उसकी जो नोटिफिकेशन हुई है उसमें थोड़ा सा अंतर है। पहले जो हमारा लोनी किसान था जो बैंक से लोन लेता था फसल के लिए, उसके लिए ये जो योजना थी वो एक कंपलसरी थी, मतलब किसान का जो पैसा था वो जो किसान क्रेडिट कार्ड से ही जब जो बैंक है उसकी जो प्रीमियम दर था उसका वो जो भुगतान है वो बैंक खुद काटता था। लेकिन इस बार से सरकार ने जो है लोनी फार्मर के लिए भी ये योजना जो है वो एक ऐच्छिक कर दी गई, उसकी मर्जी रहेगी कि वो अपनी फसल का बीमा करवाना चाहता है या नहीं करवाना चाहता है। ये एक मुख्य बदलाव जो है इस योजना में इस वर्ष जो है वो हिमाचल सरकार और राज्य सरकार जो केंद्रीय सरकार द्वारा जो है वो किया गया है। और एक और मुख्य बदलाव इसमें ये हुआ है कि अभी तक जो थी उसकी जो फार्मर्स को जो अंतिम तिथि होती थी इसको एनरोल होने की अपनी बीमा अवधि वो होती थी 31 जुलाई, लेकिन इस साल जो है इस वर्ष जो है वो 15 जुलाई जो है वो अंतिम तिथि रहेगी। तो किसान जो है वो अपना जो फसल का बीमा है इसमें दो फसलें हमारी जो है वो धान और मक्की की, ये दोनों फसल इस बार जो है वो इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो कवर की जानी है। तो इसमें जो है वो 600 रुपया प्रति हेक्टर के हिसाब से जो है वो बीमा जो है वो जो उसकी दर है वो दी जाएगी और 30,000 रुपया अगर किसी किसान की जो हम फसल को नुकसान होता है तो 30,000 रुपया प्रति हेक्टर के हिसाब से जो है वो जो हमारी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उसका भुगतान जो है वो किसानों को करेगी। तो 600 रुपया हेक्टर मतलब कि ये हो गया कि 24 रुपये प्रति किनाल के हिसाब से किसान अपनी दोनों फसलों का जो है वो बीमा करवा सकती है। बीमा जो है वो बैंक द्वारा भी किया जाएगा और जो हमारे स्थानीय जो लोक मित्र केंद्र हैं वहाँ पर भी किसान हमारा कोई भी जा करके अपनी फसल का बीमा जो है वो करवा सकता है। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल जो था लगभग 40,000 किसानों ने, जिसमें लोनी एंड नॉन लोनी दोनों किसान जो थे उन्होंने 40,000 के करीब बीमा करवाया था। हो सकता है इस बार क्योंकि कुछ बदलाव हुए हैं तो उम्मीद है कि किसान जो है वो इसको अपनी इच्छा के अनुसार ही इस योजना का जो लाभ लेना चाहेगा, तो ये तो आने वाला वक्त बता पाएगा। लेकिन मैं किसानों को अपने आपके इस माध्यम से जरूर अपना एक संदेश देना चाहूँगा कि ये बड़ी एक लाभकारी योजना है हिमाचल सरकार की, भारत सरकार की, तो अवश्य जो किसान है
वो इस योजना का जो है वो अंतिम तिथि से पहले अपनी फसल बीमा का जरूर करवाएं।